चतुर्मुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अध्याय पांच श्लोक तीन। ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते। अर्थात वे कर्म योगी जो न तो कोई कामना करते हैं और न ही किसी से घृणा करते हैं, उन्हें नित्य सन्यासी माना जाना चाहिए। हे महाबाहु अर्जुन, सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त होने के कारण वे माया के बंधनों से सरलता से मुक्ति पा लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अध्याय पांच के पहले श्लोक में श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने पूछा कि कर्म योग श्रेष्ठ है या कर्म संन्यास योग, और दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने उसका उत्तर दिया कि हालांकि दोनों ही मुक्ति मार्ग की तरफ ले जाते हैं, परंतु फिर भी कर्म योग ही श्रेष्ठ है। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान सन्यासी शब्द का विस्तार से अर्थ बताते हैं। सन्यासी वह कर्मयोगी होता है जो किसी भी प्राणी पदार्थ परिस्थिति या सिद्धांत इत्यादि से द्वेष नहीं रखता और न ही कोई कामना रखता है, और ऐसा कर्मयोगी जो सबकी सेवा करे, लोक कल्याण के लिए कार्य करे, निस्वार्थ भाव हो, वह स्वार्थी न हो, तो ऐसा कर्मयोगी नित्य सन्यासी कहलाता है, सन्यासी कहलाता है। हालांकि वह भले ही वह किसी की भलाई करे न करे, परंतु कम से कम वह किसी की बुराई तो नहीं चाहता। भलाई करने से एक विशेष वर्ग को तो लाभ मिलता है, परंतु बुराई से दूर रहने से विश्व का कल्याण होता है। जैसा कि हम जानते हैं, अर्जुन ने युद्ध ना करके भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने की इच्छा प्रकट की थी, सन्यासी बन जाने की इच्छा प्रकट की थी, और उसने कहा था गुरुजनों को न मारकर सन्यास लेना ही श्रेष्ठ है। तो यहाँ भगवान उसी का ही उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वह सन्यास तो गुरुजनों के मर जाने के भय से किए जाने वाला एक ऊपरी सतही सन्यास है, परंतु कर्मयोगी का सन्यास राग द्वेष के त्यागने से ही जो नित्य सन्यास मिलता है, जो भीतरी संन्यास मिलता है, वही सच्चे अर्थों में नित्य संन्यास है। तेरे चोला बदल देने से, तेरे इस तरह के संन्यास लेने से भी तू संन्यासी नहीं बन सकता जब तक कि तेरे मन में राग और द्वेष रहेंगे। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि ऊपरी सतही जो लोग चोला धारण कर लेते हैं, जो लोग गेरुआ वस्त्र धारण करके दाढ़ी लगा के हाथ में माला जपते हैं, उससे कोई सन्यासी नहीं कहला सकता जब तक कि उन्होंने राग द्वेष को समाप्त न कर लिया है, राग द्वेष से रहित नहीं हो जाते। एक कर्मयोगी निरंतर गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ धर्म निभाते हुए जब राग द्वेष से दूर रहने का अभ्यास करता है, तो वही सच्चे अर्थों में सन्यासी कहलाने का पात्र है।
क्योंकि गृहस्थ धर्म में रहकर जहाँ नित्य वातावरण राग द्वेष का हो, चाहे घर में चाहे ऑफिस में, और राग द्वेष के वातावरण में रहकर राग द्वेष से दूर रहने का अभ्यास या दूर रहना यह और भी कठिन कार्य हो जाता है। इसलिए सच्चे अर्थों में वही सन्यासी है, नित्य सन्यासी है। और आगे यह भी ध्यान में रख लेना चाहिए कि जो सांख्य योग के सन्यासी हैं, जो वैरागी हैं, घर परिवार से दूर रहकर जो सन्यास लेते हैं, कर्मों से सन्यास लेकर के वे साधना करते हैं, आध्यात्मिक उन्नति करने का प्रयास करते हैं, वे भी जीवन की प्रारंभिक अवस्था में कर्म योगी ही होते हैं। वे भी गृहस्थ आश्रम में रहकर शुरुआत में राग और द्वेष से दूर रहने का अभ्यास करते हैं, और अभ्यास करते करते जब उनके मन में वैराग्य की भावना जागृत होती है तो ही वे घर छोड़ करके संन्यास ले लेते हैं। परंतु एक कर्म योगी को आवश्यक नहीं कि वह घर का त्याग करके, कर्मों का त्याग करके हिमालय की कंदराओं गुफाओं में जाकर के संन्यास लेकर के राग द्वेष से दूर रहने का अभ्यास करे। परंतु एक सांख्य योगी के सन्यासी को पहले कर्म योग तो करना ही पड़ेगा, राग द्वेष से रहित उसको होना ही पड़ेगा। आगे इसी श्लोक में कहते हैं निर्द्वंदो। निर्द्वंदो का मतलब है द्वंद्वों से रहित हो जाना, द्वंद्व डायलेमास। जितने भी डायलेमास होते हैं, द्वंद्व होते हैं, जैसा कि हमने पहले भी पढ़े हैं, मान अपमान, सफलता असफलता, यश अपयश, जितने भी द्वंद्व होते हैं उनसे ऊपर उठ जाना है। एक कर्मयोगी जब राग द्वेष से दूर रहने का अभ्यास करता है तो उसके सामने कई परिस्थितियां आती हैं कि जिसमें द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के तौर पर एक कर्मयोगी के सामने अगर कोई धन लेकर के आता है रिश्वत के रूप में, तो उसके मन में द्वंद्व उठता है कि यह मैं धन ले लूं और वस्तु संग्रह करूं या फिर राग द्वेष से दूर रहूं। इस तरह से उसके मन में यह आरंभिक अवस्था में द्वंद्व चलते हैं, परंतु लगातार अभ्यास करने के बाद वह द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। फिर ये धन और संग्रह उसको आकर्षित नहीं करते हैं और उसका इन चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है, उसके मन में ऐसे विचार ही नहीं आते हैं, इसलिए वह द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। और जब यह व्यक्ति द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है तो वह परमात्म तत्व में विलीन हो जाता है, आत्मा और परमात्मा का एकाकार हो जाता है, परम शांति का अनुभव होता है। मीन्स द कर्म योगीज हु नीदर डिजायर नॉर हेट एनीथिंग शुड बी कंसिडर्ड ऑलवेज रिनाउंस्ड। Free from all dualities, they are easily liberated from the bonds of material energy. As we have seen in last verse, Lord Krishna replies Arjun that Karma Yoga is better than Karma Sanyas Yoga. He also explained what is Karma Yoga and what is Karma Sanyas Yoga. In this verse, he explains the meaning of sannyasi. He says, a karma yogi who continue to discharge their worldly duties while internally practicing detachment, and he accepts both positive and negative outcomes with equanimity, he may be called as sannyasi, nitya sannyasi. Further, he says, a karma yogi does not hate any being, object, circumstance or principle etc. But he render selfless service to everyone.
इवन इफ ही इज द लीस्ट हेटेड फॉर एनीवन, ही कैनॉट फॉलो द डिसिप्लिन ऑफ एक्शन स्क्रूपलेसली. So, he should give priority in rendering service to a person for whom he bears even a little malice. Further, he says, renunciation of desire is very important in karma yoga. A karma yogi does not desire any being or object or circumstance. Renunciation of desire is very much connected with the welfare of others. By rendering service to others, we get the required strength to give up desire. As we know, Arjuna thought, it is better to live in the world even by begging than to fight. So in response of his statement, the Lord seems to clarify that such renunciation, apprehending the death of teachers, is external or outwardly. But real renunciation consists in being free from attachment and aversion while performing actions. It is difficult to follow the discipline of knowledge without following the discipline of action. Therefore, a striver who follows the discipline of knowledge is first a karma yogi and then a sannyasi. But for a karma yogi, it is not necessary to follow the discipline of knowledge. So, a karma yogi is a sannyasi from the very beginning. Further, he says, Nirdvando means at the beginning of the spiritual discipline, a striver has opposite experiences in the form of attachment and aversions. He, through good company, study of scriptures and discrimination, decides on God realization as his aim. But his so-called mind and senses, etc., are naturally inclined towards pleasure and prosperity. Thus, sometimes he want to attain God, while at other times he hankers after worldly pleasure and prosperity. So his inclination changes, the company he keeps, but he cannot enjoy the worldly pleasures undisturbed because the latent impressions of good company, etc., cause dispassion, disinclination for pleasures in his mind. Thus, there is a duel between pleasure and spiritual practice. When a striver has a determinate intellect, then this duel comes to an end and he merges with the God, his egoism merges with God, and his all pairs of dilemmas come to an end. He becomes free from the pairs of opposites, and thus he naturally attains salvation and he is liberated from bondages. हे अर्जुन, उन्हीं के तू सन्यासी जान, धिकार ऐं रखे चाह जो कह न कान, न सुख याद जै के न दुख याद आहे, सो कर्मन जे बंधन का आजाद आहे. जी त पान के जान आए, श्लोक पहरे में अर्जुन कृष्ण भगवान का पुछे थो त कर्म योग ए संन्यास कर्म संन्यास योग मा कहड़ो सही सुठो मार्ग आए, मेहरबानी करे वो बुधायो. बे श्लोक में श्री कृष्ण भगवान उन जे सवाल जो जवाब थो जे त कर्म योग ए कर्म संन्यास योग बई जेतोणीक मुक्ति जे मार्ग ते वठी था वनन, पर तदें भी कर्म योग ही बेहतर थींदो आए. हिन श्लोक में श्री कृष्ण भगवान संन्यासी कैंखे चैबो, सन्यासी जो मतलब छाए,
रियल सन्यासी के रहे उन जे बारे में एक्सप्लेन था कन चिटो था कन चवन था त जे को कर्मयोगी को कामना कोन थो रखे कैसा का घृणाब कोन थो रखे न तो न जे मन में का नफरत आए न ही कैंज लाए को मोह आए का कामना आए ए वो कर्म योगी खे ही पाण सन्यासी चई था सघूं वो कर्म योगी गृहस्थ आश्रम में रही करे गृहस्थ धर्म निभाईंदे हुए अगर राग द्वेष सा पाण के परे रहने जो अभ्यास थो करे साधना थो करे ए राग द्वेष सा पाण के परे थो रखी छड़े तो सच्चे अर्थन में वो ही नित्य सन्यासी आहे। सन्यासी चवाइण लाय यो जरूरी ना है तो तवा घर छड़े करे परे के ना वनी करे है अभ्यास कयो बाहरा सन्यासी जेके दिसण में अचन था उए अगर उनन जे मन में राग द्वेष हले पियो ए बाहरी चोलो भले उनन सन्यासी जो पाए रखियो आए तो उए सन्यासी कोन सदाए सगजन था एक गृहस्थ आश्रम में रही करे एक गृहस्थी जने राग द्वेष सा परे रहन जो अभ्यास कंदो आए तो यो अभ्यास हेकारी वधीक दुख्यो थींदो आए छो जे चौधारी राग ए द्वेष घृणा नफरत विकार पेंजे आसे पासे हुंदा इन ए ते हुंदे ब पाण के उनन सा परे रहनो हुंदो आए आसे पासे गप हुजे विच में कमल जो गुल खिलाइणो पवंदो आए ते एड़ो अभ्यास बियो वधीक दुख्यो थी वेंदो आए अग्या श्री कृष्ण भगवान चवन था त एक कर्म योगी लाए को सन्यासी ठहण जरूरी ना है पर एक जेको सन्यासी हुंदो आए वो शुरुआत में कर्म योगी जरूर हुंदो आए उन जे मन में ब पहले राग ए द्वेष छड़न जी भावना इंदी आए उन जो अभ्यास कंदो आए पो धीरे धीरे उन जे मन में वैराग्य जी भावना जागंदी आए तने हु घर छड़े छड़ींदो आए पर एक कर्म योगी सांसारिक धर्म निभाईंदे हुए ब सन्यासी ही आए वो शुरुआत खां ही सन्यासी आए छो तो हु राग ए द्वेष के छड़े चुको आए यो पान के जान आए त अर्जुन चयो होई श्री कृष्ण भगवान के त मां पेंजन जे ही खिलाफ युद्ध कया उनन के मारया इन हां सुठो आए त मां भीखम गुरा मां सन्यासी ठई वन्या पर श्री कृष्ण भगवान चवन था त जेड़ो तू पेंजन के मार नथो मारे करे ए सन्यासी ठहण तो चाहिं त या तुंजी प्रेरणा राग द्वेष सा रहित ना है उनमें भी राग है द्वेष आए पो तू बाहरी चोलो भले तू सन्यासी जो पाए भी छड़ी ए तुझे मन में राग है द्वेष रहन तब तू सन्यासी त कोन सदाए सघजंदे इन खां बेहतर आए त तू युद्ध कर अग्या हिन ही श्लोक में चवन था निर्द्वंदो निर्द्वंदो मतलब पेंजन द्वंदन सा परे उथी वन द्वंद कहड़ा डायलेमास डायलेमास कहड़ा यही राग द्वेष सफलता असफलता मान अपमान यश अपयश ये जेके भी द्वंद हलन था इनन सा मथे उठी वनो उदाहरण तौर ते एक जडें कर्म योगी गृहस्थ धर्म निभाईंदे हुए जडें उनके को मानू रिश्वत जे रूप में का उपहार वगैरह जेस थो पैसो जेस थो तो उन जे मन में द्वंद उठंदो आ एक डायलेमा उठंदो आए त मां यो पैसो वठी करे पेंजो घर ठाया कि न यो पैसो न वठी करे ए पेंजी कर्म खातो सुधारिया साधना कया राग द्वेष सा परे रहा यो द्वंद उन जे मन में शुरुआत में घणो उठंदो आए धीरे धीरे अभ्यास सा ये द्वंद दूर थींदा वेंदा आहिनि ऐं अहिड़ो वक़्तु अची वेंदो आहे जॾहिं हू पाण खे मोह सां परे करे छॾींदो आहे संग्रह न कंदो आहे हुन जे संग्रह करण ऐं मोह रखण त परे जी ॻाल्हि पर हुन जे मन में को अहिड़ो वीचार बि कोन ईंदो आहे ऐं तॾहिं सचे अर्थनि में हू निर्द्वंद थी वेंदो आहे ऐं अहिड़ो माण्हू जेको निर्द्वंद थी वञे
उनजी ही आत्मा परमात्मा सा एकाकार थी वेंदी आए उनके परम शांति जो अनुभव मिलंदो आए ए इहाई त मुक्ति आहे जेंज लाए मानव ही मानव देही वठी करे जन्म वठंदो आए इन रीत अध्याय पंजे जे श्लोक टे जो अर्थ पूर्ण थियो सुभाणे खां ॾिसंदासीं सुभाणे ॾिसंदासीं श्लोक चौथो तेसी ताईं जय श्री कृष्ण।